कल पुंछ में आतंकी हमले के बाद से लगातार तलाशी अभियान जारी है और अब मिल रही सूचना के मुताबिक पुंछ और राजौरी में तकरीबन 6 से 7 आतंकी जो हैं छिपे हुए हैं और उनके लिए सर्च ऑपरेशन यानी कि सर्च ऑपरेशन जो है एक बड़े पैमाने पर लॉन्च किया गया है। ड्रोन और हेलीकॉप्टर की मदद से जंगल के पूरे इलाके को जो है खंगाला जा रहा है और जगह जगह पर अगर हम बात करें तो नाके जो है वो लगाए गए हैं, तलाशी अभियान जो है वो छेड़ा गया है और आसपास के जो जंगल के आसपास के इलाके हैं वहां पर भी सेना की तरफ से लगातार पूछताछ की जा रही है। क्योंकि अगर हम बात करें तो इस साल नववर्ष की शुरुआत यानी कि नए साल की शुरुआत पर ही राजौरी के डांगरी में एक नरसंहार देखने को मिला और उसके बाद से उन आतंकियों का कुछ भी पता नहीं चला है। वो आतंकी कहाँ गए, कहाँ छिपे और उन्हें किसने पनाह दी, ये एक बड़ा सवाल बनता गया और कई बार जो है इसको लेकर सुरक्षा में चूक भी बताया गया। और कल जिस तरीके से एक बार फिर सेना को आतंकियों ने या कह सकते हैं कि इन दहशत गर्दों ने निशाना बनाया, जिसमें हमारे भारतीय सेना के 5 जवान जो हैं जिन्हें शहादत प्राप्त हुई है, उसके बाद से बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी है और अब ये सूचना मिल रही है कि राजौरी और पुंछ के इलाके में 6 से 7 आतंकी जो हैं वो छिपे हुए हैं, जिनके लेकर जो है ड्रोन और हेलीकॉप्टर की मदद से जंगल में जो है पूर्ण रूप से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये पूरा इलाका जो है घने जंगलों से घिरा हुआ है, वहां पर अगर बात करें तो किसी का भी भागना जो है काफी आसान होगा। इसको लेकर जो है सेना की तरफ से विशेष जो ड्रोन्स हैं वो वहां पर उनकी मदद से जो है सर्च किया जा रहा है। साथ ही साथ अगर बात करें तो वहां पर जो खुफिया एजेंसी है, सेना की टीम्स हैं, पुलिस जो है वो वहां पर काफी सतर्क नजर आ रही है। परंतु एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या इसे हम सुरक्षा की एक बड़ी चूक मानकर चले, क्या इसमें अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर का जो खुफिया तंत्र है उसकी एक बड़ी चूक मानकर चले कि जिस तरीके से ये एक बड़ा हादसा या कह सकते हैं कि एक बड़ा दहशत गर्दों की तरफ से कायराना हरकत जो है कल के बीते दिन में की गई है, जिसमें सेना के 5 जवान शहीद हुए हैं और अब ये एक चौंकाने वाली बात है कि इसमें माना जा रहा है कि तकरीबन 6 से 7 आतंकी जो हैं उस इलाके में अभी भी काफी ज्यादा वहां पर सक्रिय हैं। हो सकता है कि वो कुछ और बड़ी घटना जो है अंजाम देने की जो है फिराक में बैठे हों। इसको लेकर जो है वहां पर सर्च ऑपरेशन जारी है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही जो ये आतंकी हैं इन्हें ढेर कर लिया जाएगा। माना जा रहा है कि ये आतंकी जो है पाकिस्तान का से संबंध रखते हैं और इनका जो टेरर आउटफिट है लश्कर तैयबा से ये पूर्ण रूप से ताल्लुक रखते हैं और इन्हें पकड़ने के लिए जो है लगातार वहां पर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी है। इस अपडेट में बस इतना ही, जुड़े रहे द आर्थ न्यूज के साथ बाकी अपडेट्स के लिए।